तो एक बात मैं बताऊंगा, शेफ सबसे खराब खाना खाते हैं। पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे कि डॉक्टर और इंजीनियर या आईएएस की परीक्षा में बैठ सकें, तो होटल मैनेजमेंट सबसे अच्छा लगा। अभी हमारे टेस्टिंग मेन्यू में एक डिश है जो कि बिहार से इंस्पायर्ड है। बिहार में एक बड़ी फेमस डिश होती है कुलताश्मी। तो कुछ साल पहले तक तो ये हाल होता था कि रात में 2 बजे मैं मैगी बना के खा रहा होता था। इंडियन फूड का एक हार्ट एंड सोल होता है, तो हमारे खाने में उसको इंटैक्ट रखते हुए ये रेस्टोरेंट खोला। पूर्णिया में बनैली एक जगह है, तो बनैली के महाराज, उनके यहाँ एक अलग क्विजीन थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जानते नहीं है उसके बाद। मेरे रेस्टोरेंट में बटर चिकन नहीं मिलता है या बिरयानी नहीं मिलती है, इसलिए जो मुश्किल ट्रेंड हमें लगता है जिसके लिए इंडियन इस मेरे टाइप का इंडियन खाना बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, वो वीगनिज्म है। कॉम्बिनेशंस जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो यूनिक हैं, जो कि यूजुअली इंडियन खाने में देखने को नहीं मिलते। आई एम स्टिल अ ओल्ड फैशन पर्सन, आई स्टिल बिलीव इन बुक्स, आई डोंट ट्रस्ट इंटरनेट दैट मच। वी कॉल इट अ इन्वेंटिव इंडियन फूड बिकॉज ऑल द डिशेज which we serve in Indian accent is invented in Indian accent. क्योंकि ज़्यादातर शेफ़ों से if you ask them, they will say that they were inspired from their grandmother, they used to help their mother in the kitchen, nothing of that sort happened with me. जितनी अच्छी layered puff pastry बिहार में बनती है, शायद हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं बनती हो, जिसको खाजा बोलते हैं। यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक प्रेजेंटेशन के साथ में, so that is the whole idea of Indian accent, it give Indian food with a different accent. जिस समय दुनिया सबसे ज़्यादा enjoy कर रही होती है, सबसे ज़्यादा मज़े कर रही होती है, वो दिन आपका सबसे busy दिन होता है। उस दिन आप मज़े नहीं कर सकते, आपको काम करना होता है। आप काम करते हैं इसलिए वो मज़े कर रहे होते हैं। फिर एक बार आपके सामने पेश हुई है दिस इज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, लेकिन डेलिकेसीज के साथ, डिलीशियस ब्लॉग के साथ। कभी आपको लगता है कि ये सीरियस नोट पर लेकर के आती है, और कभी ये बात कर रही है डेलिकेसीज की। ये क्या है, डिलीशियस क्या है? हाँ बिल्कुल, जो आपके मुंह में पानी लाएगा ऐसा व्लॉग है। तो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ आज ऐसे यमी पर्सन को, क्योंकि वो आज हमारे साथ हैं, हमारे गेस्ट हैं, और ये एक लग्जरी मॉडर्न इंडियन शेफ हैं। तो हमारे साथ हैं मिस्टर मनीष मेहरोत्रा। थैंक यू। हेलो मनीष, एंड सो मच प्लेजर टू हैव यू ऑन आर पॉडकास्ट। सो गाइज, GTRI टॉक शो में फिर एक बार आपका स्वागत है मनीष मेहरोत्रा के साथ, और आज हम इनसे काफ़ी सारी यमी यमी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू फॉर कमिंग मनीष जी। इसके पहले कि हम आपकी आर्टिस्टिक डेलिकेसीज की ओर जाएं, मैं थोड़ा आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे ये सफ़र रहा? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से ये सफ़र तय करना बहुत ही बेसिकली मुश्किल है बिकॉज ऑफ द माइंड सेट। आई बिलोंग टू पटना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पटना, और यहाँ से मेरे को नहीं लगता था कि उसमें माइंडसेट कोई डिफ़िकल्ट है। पीपल वर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम पटना, सो इस लाइन में इतने लोग नहीं थे, बट आई वेंट टू इन दिस लाइन एंड आई वुड से हेयर आई एम आफ्टर सो मेनी इयर्स। आई लेफ्ट पटना फॉर स्टडीज़ इन 1990s एंड आफ्टर 34 ईयर्स आई एम सिटिंग हेयर बैक and talking to you about myself, so it's feeling is great. Yeah, you are being little generous about the place from where you are belonging. Okay, aap Bihar se hain, और बिहार को जहाँ तक मैंने स्टडी किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया है, तो पिछले 15 साल से काम कर रही हूँ, तो बिहार में मैंने ये देखा कि लोगों के जो एक्चुअल माइंडसेट है, ठीक है, वो माइंडसेट है गवर्नमेंट जॉब के, वो माइंडसेट है आईएएस
IITians के माइंडसेट है. एंड मेजरली इफ़ यू फाइंड इवन मेरे जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं यहाँ पे बिलोंग करते, वो भी उसी माइंडसेट के हैं. तो पहला ही होता है कि भाई हमें सिविल सर्विसेज करनी है. अगर वो इंटेलिजेंट है सिविल सर्विसेज करेगा, या फिर वो जाएगा कोई क्लेरिकल जॉब में, बट गवर्नमेंट जॉब ही उसका फिक्स रहता है. देखिए यहाँ की जो मैंटेलिटी होती है वो ये होती है कि लड़का मतलब खाना बनाएगा. लेकिन उस दौर में से निकल के आना, ऑफकोर्स आपकी फैमिली मे हैव बीन अ वेरी बिग सपोर्ट इन दिस, बिकॉज अदरवाइज तो आपको रिबेलियस होकर के ही निकलना पड़ेगा. पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी इस लाइन में जाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था. लेकिन हाँ, माई फादर यूज टू ओन अ पेट्रोल पम्प ऑन डाक बंगला रोड, एंड बोथ मी एंड माई ब्रदर सेड वी आर नॉट गोइंग टू रन अ पेट्रोल पम्प, वी वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. सो दैट इज़ वाई बोथ ऑफ अस, हम लोगों ने बोला कि हम बिजनेस में नहीं जाएंगे. एंड I came that time, होटल मैनेजमेंट काफ़ी चर्चा में था और मेरे कुछ कजन्स भी होटल मैनेजमेंट कर रहे थे. सो आई सेड व्हाई नॉट डू दैट. पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे कि डॉक्टर और इंजीनियर या IAS की परीक्षा में बैठ सकें, तो होटल मैनेजमेंट सबसे अच्छा लगा. और जब होटल मैनेजमेंट कॉलेज में पहुँचे, आई डिड इट फ्रॉम IHM मुंबई, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया. सो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ कुछ दिन टाइम स्पेंड करने के बाद ये समझ में आया कि किचन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ है होटल इंडस्ट्री में. अब तो बाकी सारी चीज़ें भी, लेकिन उस समय किचन बड़ा क्रिएटिव लग रहा था. मैंने कहा ये मैं कर सकता हूँ. एंड फ्रॉम देयर आई टुक इंटरेस्ट. एंड अगेन, क्या घर पे आप खाना बनाते थे? ना, हमारी फैमिली नहीं, पूरी वेजिटेरियन फैमिली थी, नो ऑनियन नो गार्लिक फैमिली थी. सुबह स्कूल जाते थे सेंट जेवियर्स, अंडा छत पे खाते थे, अलग सेट ऑफ बर्तन, नहीं छुप के नहीं, दादी को पता रहता था, लेकिन छत पे अलग बर्तन होते थे, अलग गैस स्टोव होता था. तो पूरा वेजिटेरियन फैमिली थी, लेकिन किसी ने रोका नहीं कि बाहर घर से खाने के लिए. रिलेटिव्स ऑल ओवर इंडिया थे, ट्रैवल करते थे, तो बाहर सब कुछ ये खाने की पूरी आज़ादी थी. क्योंकि ज़्यादातर शेफों से इफ़ यू आस्क देम, दे विल से दैट दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर ग्रैंडमदर, दे यूज टू हेल्प देयर मदर इन द किचन. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड विद मी. So yeah, you just suddenly went into hotel industry and you loved kitchen. Absolutely. Okay. Then so, you may have gone through the process of, you know, learning things. Aur jahan tak mujhe pata hai ki aapke paas bookon ki bharmar hai. So how many books do you have in your bucket list? I am still an old fashioned person. I still believe in books. I don't trust internet that much. Mm-hmm. When it comes to knowledge, I still prefer books. That feel, that touch, I really need that. मैं आज भी वो इंसान हूँ जो सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ता है हाथ में लेके. सो फ़ोन पे या आईपैड पे अपना न्यूज़ नहीं देखता है. सो आई स्टिल बिलीव इन बुक्स एंड आई हैव गॉट अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ कुक बुक्स, आई वुड से. सो या आई हैव गॉट अ गुड कलेक्शन ऑफ कुक बुक्स एंड आई कीप अपडेटिंग इट. आज भी मैं महीने में 3-4 किताबें जो भी लेटेस्ट आ रही होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं उसको ख़रीदता हूँ. आई ट्रैवल अ लॉट, सो वेन एवर आई ट्रैवल आई ट्राई टू फाइंड कि अगर कोई कुकिंग की नई चीज़, नई रेस्टोरेंट की कोई किताब आ रही है, किसी नए शेफ्स की किताब आ रही है, सो आई बाई दैट. दैट गिव्स मी लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, लॉट ऑफ आइडियाज टू क्रिएट माई ओन डिशेज. मैंने थोड़ा सा स्पाई किया था. मुझे पता चला कि एटलीस्ट मिनिमम 1200 किताबें आपके पास, उससे ज्यादा होगी. 1200 तो होंगी. ओके, सो आई एम क्लोज टू दैट. मेरा स्पाई करेक्ट था, मैंने डिटेक्टिव डाला था इनके पीछे. सिंस पीपल नो यू मोर विथ, आपने मेरे ख्याल से ताज में काम किया, राइट? योर फर्स्ट जॉब वॉज इन ताज, राइट? एंड दैट इज़ रियली एक्सक्लूसिव कि मतलब बिहार से आपने होटल मैनेजमेंट तो खैर मुंबई से ही किया था, राइट? और फिर डायरेक्ट आप मतलब ताज में चले. प्रेसिडेंट में जॉब लगी एंड जॉइन एज अ ऑपरेशंस ट्रेनी देयर इन द किचन. वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स. देन बॉम्बे घर से बहुत दूर था, पटना से बहुत दूर था. दिल्ली में हमारा अपना घर भी था और काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी रहते थे और पटना से काफ़ी पास था. ओवरनाइट जर्नी होती थी. तो फिर दिल्ली मूव कर गए एंड 2000 आई मूव टू दिल्ली एंड
बस उसके बाद दिल्ली में ही है तब से। आपको मॉडर्न इंडियन शेफ क्यों बुलाते हैं? ये तो जो बुलाते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि मॉडर्न इंडियन शेफ क्यों बुलाते हैं। शायद लेकिन हर जगह पर वही पढ़ने में आया है। मेरे रेस्टोरेंट में बटर चिकन नहीं मिलता है या बिरयानी नहीं मिलती है, इसलिए मॉडर्न इंडियन शेफ इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारा जो खाना है, जब आज से 15 साल पहले 2009 में इंडियन एक्सेंट रेस्टोरेंट शुरू किया था हमने, उस समय जिस तरह का खाना हम करना चाहते थे, बिकॉज आई वॉज इन लंडन, वर्किंग इन लंडन फॉर 4 years, सो आई सॉ ऑल द क्विजींस ऑफ द वर्ल्ड डन इन अ मॉडर्न वे, मोर रिफाइंड वे, तो आई थॉट व्हाई नॉट वी डू इंडियन फूड इन दैट वे। बट इंडियन फूड का एक हार्ट एंड सोल होता है, तो हमारे खाने में उसको इंटैक्ट रखते हुए ये रेस्टोरेंट खोला था। और हमारे यहाँ के रेस्टोरेंट में और खाने में यूनिक बात यह है कि दिल से एट हार्ट फूड एंड फ्लेवर्स आर इंडियन, बट कॉम्बिनेशंस जो हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो यूनिक हैं, जो कि यूजुअली इंडियन खाने में देखने को नहीं मिलते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जिस तरह से इंडियन खाने की प्रेजेंटेशन पहले होती थी, उससे थोड़ी सी उसको बदली गई है, बदल के हमने प्रेजेंट किया उसको, जिससे कि हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक कंपोनेंट डिश का एक उभर करके आए, रादर देन के एक बोल में सारी चीज़ें मिक्स होकर आए। सो हर कंपोनेंट कैन स्पीक फॉर इटसेल्फ, दैट वाज द होल आइडिया। इट शुड लुक गुड, इट शुड फील एपेटाइजिंग, and definitely taste is supreme. So how you segregate, मतलब how you say that you know हमने उसमें जो change लाया, of course आपने fusion किया, लेकिन उस fusion को आप कैसे distinguish करते हैं? Fusion मतलब एक समझो कि बटर चिकन है, अब बटर चिकन नहीं मिलता आपके यहाँ? हाँ जी, मेरे यहाँ बटर चिकन नहीं मिलता है, लेकिन बटर चिकन is a very very important dish for Indian cuisine, and तो उस पर्टिकुलर जो बटर चिकन की सॉस है उसको हम कई कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी अलग अलग डिशेस में। उसके बाद और भी ऐसी बहुत सारी डिशेस हैं इंडिया की जिनकी सॉसेस को, जिनकी फ्लेवर्स को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, यूनिक कॉम्बिनेशन, यूनिक प्रेजेंटेशन के साथ में। सो दैट इज़ द होल आइडिया ऑफ इंडियन एक्सेंट, इट्स गिव इंडियन फूड विद अ डिफरेंट एक्सेंट, दैट इज़ द होल आइडिया। ओके, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, इंडियन एक्सेंट। हमारे यहाँ पर तो डाइवर्सिफाइड एक्सेंट है विद डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर, सो इन सारे ट्रेडिशन और कल्चर को एक मतलब वो बोलते हैं ना कि गूथ करके ये बहुत आर्टिस्टिक वे में अपनी डिश को प्रेजेंट करते हैं। तो मिस्टर मनीष, मुझे ये बताएं कि आपकी अगर प्लेटर में, आप किस प्लेटर को सबसे, मीन्स होता ना कभी भी चॉइस होती है कि आई लव माई बेस्ट डिश इज दिस, आपके लिए सभी होंगी, लेकिन आप बीइंग अ शेफ यू कैन चूज इट। बहुत सारी डिशेज हैं और सिंस इंडियन एक्सेंट का मेन्यूज इज ऑलवेज इन डेवलपमेंट मोड, वी कीप ऑन चेंजिंग आर टेस्टिंग मेन्यू एवरी 1.5-2 months and new dishes comes on the menu. तो जैसे अभी हमारे टेस्टिंग मेन्यू में एक डिश है जो कि बिहार से इंस्पायर्ड है। बिहार में एक बड़ी फेमस डिश होती है कॉल्ड ताश मीट, और सत्तू तो बचपन से खा रहे हैं, तो ताश मीट सत्तू पराठा के साथ में है। बेसिकली इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ चंपारण मीट और समथिंग। बेसिकली चंपारण मीट इज़ अ लास्ट 5 years ऑफ इन्वेंशन काइंड ऑफ अ थिंग, आई डोंट नो, मे बी चंपारण में कोई बनाता होगा, लेकिन पटना में जब से हम पैदा हुए हैं तब से आज तक हमने कभी चंपारण मटन देखा नहीं, कभी भी नहीं। अब मतलब कि जब हम 2000 के बाद, आज से 5-6 साल पहले वह पटना आना शुरू है, तब चंपारण मीट वो म्यूजियम के सामने कुछ दुकानें बेचना शुरू किया। मगर ताश मीट जो है ये पुरानी चीज़ है, जो कि आपको मुजफ्फरपुर इन सब एरिया में मिलेंगी। ड्राई मटन प्रिपरेशन है सरसों के तेल में बनी हुई, और मूढ़ी के साथ में, ड्राई पफ राइस के साथ में खाया जाता है। तो ये हम सर्व करते हैं, और ओल की चटनी के साथ में, ओल
जिमीकंद को बोलते हैं, याम को बोला जाता है, तो इसकी मस्टर्ड ऑयल और नींबू डाल के चटनी बनती है, तो उसके साथ में हम इसको अपने रेस्टोरेंट में एज अ फॉर्म ऑफ टाको सर्व करते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग है और लोगों को पसंद आ रही है, काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और आइडिया यह है कि कोई बाहर का आदमी आता है तो वो इसको जब टाको फॉर्म में देखता है तो रिलेट कर पाता है, ओके इट्स अ टाइप ऑफ टाको दे आर गिविंग मी, बट स्पेशल चिकपी फ्लावर ब्रेड विच इज सत्तू ब्रेड एंड ताश मीट विच इज ओके, आप सत्तू का भी उसमें सत्तू की रोटी देते हैं, सत्तू की रोटी के ऊपर में उसको देते हैं, और ड्राई मटन प्रिपरेशन है जो कि बिहार की चीज़ है, तो बाहर वाले रिलेट कर पाते हैं और फिर उसको भी चार चीज़ें और पता चलती हैं कि हिंदुस्तान में ये भी बनता है, खाली करी और नान ब्रेड नहीं बनती। हाँ, मैं ये कहूंगी कि आपका ये पसंदीदा अभी इस मेन्यू में तो ये काफी चल रही है, तो काफी पसंद है। ऑलराइट, और आपका अपना पर्सनल पसंद क्या है, व्हाट यू लाइक टू ईट? आई एम अ मोर ऑफ अ क्रेविंग सेंट्रिक पर्सन रादर देन अ क्विजीन और अ डिश सेंट्रिक। ओके, क्रेविंग सेंट्रिक मींस के आज ये खाने का मन है हमें, आज चाट खाने का मन है, आज वैन वाला चाउमीन खाने का मन है। I don't know, I eat, I love to eat. See, खाना पकाने शेफ के लिए बहुत जरूरी चीज़ होती है, खाना खाना आना चाहिए, खाना पकाना आना चाहिए और खाना खिलाना आना चाहिए, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है किसी भी शेफ के लिए। Absolutely. तो unless and until you love to eat, then only you can, and you know how to cook, then only you can feed people. Absolutely, absolutely, I agree with you. मतलब मैं तो हूँ थोड़ी जुगाड़ू, क्योंकि मेरा ये होता है कि बिकॉज़ आई एम अ ट्रैवलर, तो कभी यहाँ पे भी है एक रूम रखा हुआ है और मुंबई में है, लेकिन क्या होता है कि कई बार अब अचानक से कुछ बनाना है और घर में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं वही काम करती हूँ जो है उसमें क्या कुछ नया बन सकता है, तो मैं उस तरीके का जुगाड़ करती हूँ घर में। तो जुगाड़ देखिए, शेफ लोगों को लगता है शेफ सबसे अच्छा खाना खाते हैं, तो एक बात मैं बताऊँगा, शेफ सबसे खराब खाना खाते हैं, जितने भी शेफ़ होते हैं ना, वो ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो बनाते हैं रोज़ खुद भी खाते हैं, अगर हम लोग जो बनाते हैं रोज़ खुद खाएंगे तो फिर इट्स नॉट हेल्दी। सो हम लोग कभी समय पर खाना नहीं खाते हैं, तो कुछ साल पहले तक तो ये हाल होता था कि रात में 2 बजे मैं मैगी बना के खा रहा होता था। सो दैट्स फाइन, सो दैट इज़ हाउ वी, बिकॉज थक के आता है आदमी, किचन में इतनी खाने की महक मिल जाती है, तो यू डोंट फील लाइक ईटिंग। अगर किसी भी घर में किसी की मॉम से पूछेंगे तो बोलेंगे हमको खाना बनाने के बाद इतना मन नहीं करता है खाना खाने का, तो हम लोग के साथ भी वही होता है, यू डोंट फील लाइक, मतलब कि 2 घंटे तक तो खाना देखने का भी मन नहीं करता है, आप जब इवनिंग सर्विस के बाद किचन से निकलते हैं लगता है घर जाएँ, हाथ मुँह धोएँ, बैठें, टीवी ऑन करें और फिर खाना खाएँ। सो उस समय रात में 2 बजे फिर आदमी मैगी बनाता है या भेलपूरी बनाता है या सैंडविच बनाता है, वही खा के आता है। तो मतलब आप ये मत समझिए कि शेफ़ की ज़िंदगी जो है ना बहुत ही यमी वाली होती है, खुद के लिए वो यमी खाना खिलाते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो बात है, हम लोग रात में मैगी सैंडविच और भेलपूरी बनाते हैं, वो भी यमी होती है। मतलब लेकिन जो खाने वाले आते हैं उनके हिसाब का यमी आप नहीं खा पाते बिकॉज ऑफ द हैक्टिक स्केड्यूल, बिकॉज ऑफ द रूटीन एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? खैर, लेकिन चलिए अब मैंने आपके सफ़र में, बिकॉज पीपल आर मोर इनटू यू नो फेम, राइट, कि मतलब हमने इन्हें देखा है टीवी पर, तो हमने भी आपको देखा है टीवी पर मास्टर शेफ पर, तो आप एज अ गेस्ट शेफ गए थे मास्टर शेफ 2015 आई गेस, राइट? 2015 लास्ट ईयर, या लास्ट ईयर भी गए थे, हाँ सो सिलसिला शुरू रहा, राइट? तो वहाँ पर जो माहौल टीवी में दिखता है, एक्चुअल में क्या माहौल होता है आप लोगों के लिए? मतलब सी, मेरा तो ये होता है कि जितने भी वहाँ पे जजेस हैं, चाहे विकास हो, रणबीर हो, गरिमा है, आपकी और पूजा थी, या शेफ़ संजीव हो, जितने भी ये लोग हैं, ये बहुत पहले से इनको जानते हैं, ये दोस्त हैं। सो वहाँ मेरे लिए तो फ़न का माहौल रहता है, क्योंकि इनके साथ हंसी मजाक, पुरानी बातें, दोस्तों की बातें चलती रहती हैं, बिकॉज दे आर गुड फ्रेंड। कंटेस्टेंट्स के लिए टफ होता है, और ख़ासकर जब मेरा एपिसोड होता है, यूजुअली वो फिनाले या फिनाले से एक पहले ही होता है, तो थोड़ा टफ होता है। और तो अब की बार जैसे मेरे को फ़ोटो बना के डिश की देनी थी, और
बताना था कि क्या चीज़ है, उनको अपने आप बनानी थी, तो दैट्स टफ। सो कंटेस्टेंट्स के लिए वो टफ चीज़ होती है, मेरे लिए इट्स फन, यू मीटिंग फ्रेंड्स, सिटिंग विद देम, हैविंग फूड विद देम, इट्स जस्ट फॉर वन डे, सो फन रहता है मेरे लिए वो। तो जब मास्टर शेफ में आप जाते हैं, जो कंटेस्टेंट्स बनाते हैं, हम जो टीवी पर देखते हैं वो तो फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, राइट? तो क्या इसमें बार बार उन्हें कोई मतलब उस दौर से, रेस से गुजरना पड़ता है कि भाई एक चीज़ हुई, या फिर वो एक ही मतलब जब कंटेस्टेंट है उन्हें जो बोल दिया और तभी बनाना है, मीन्स वो रियलिटी के साथ होती है? बिल्कुल रियलिटी होती है, टफ चीज़ कंपटीशन होता है। देखिए थोड़ी बहुत ग्रूमिंग तो उनको करनी पड़ती है, बिकॉज ऑफ द ग्रूमिंग इन द सेंस, वो तो नॉर्मल चीज़ है उनको टर्म्स, क्योंकि बेसिक टर्म, कल को मैं जाके आपके सामने बोलूं कि भाई ट्रफल क्या होता है या कावियार क्या होता है, तो उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज तो देनी पड़ेगी, बिकॉज दुनिया भर के लोग उस शो को देख रहे हैं, थोड़ी सी ग्रूमिंग होती है, बट जो कॉम्पिटिशन वहाँ कुकिंग होती है एब्सोल्युटली रियल है और काफ़ी टफ होती है, और टाइम के प्रॉपर जो टाइम दिखाते हैं वो टाइम होता है, तो उस समय मजाक मस्ती नहीं होती है, उस समय इट्स अ सीरियस, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। ओके, सो मतलब आप लोगों को बता दूं दर्शकों की, ऐसा नहीं है कि मास्टर शेफ का जो, बिकॉज वी लव मास्टर शेफ, इवन जो इंटरनेशनली भी होता है, जो हमारे इंडिया में भी होता है, उसमें सच में ऐसा लगता है कि यू नो रियली दे आर पुटिंग अप देयर एफर्ट, दे आर रियली वर्किंग ऑन दैट, एंड वो जो रिजल्ट निकल के आता है उसमें आप भी कॉम्पिटिशन में जाते हो और आपकी भी कोई चॉइस हो जाती है कि हाँ ये कंटेस्टेंट मुझे अच्छा लगता है, यही विन करना चाहिए। और उसमें शेफ्स का बहुत बड़ा रोल होता है, जो मास्टर शेफ्स होते हैं दे रियली हेल्प देम वाइडली जज करना, बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट। माय फेवरेट इज ओवर देयर इज रणबीर ब्रार, बिकॉज ही इज लिटिल यू नो फंकी टाइप ऑफ अ पर्सन, नो ही इज वेरी नाइस पर्सन, बोथ ऑफ देम, विकास, रणबीर, ऑल ऑफ देम आर रियली रियली जेम ऑफ अ पीपल। एंड पहली चीज़ तो वो कंटेस्टेंट को इतना मोटिवेट करते हैं, उनको एक एट ईज पे रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर में, तो उनको ईज पे रखना, उनको मोटिवेट करते रहना, उनको हमेशा गाइडेंस देते रहना, ये बहुत अच्छे से वो लोग हैंडल करते हैं, रणबीर और विकास, ऑल ऑफ देम दे डू इट अ फैंटास्टिक जॉब। ओके, सो नाउ हम आते हैं मास्टर शेफ से इस बात पर कि आप बिहार के हैं, ठीक है, और हम अभी बिहार में ही हैं, बिहार में जो कुजीन है, ओके, तो एक तो आपने कहा कि मटन ताश, ठीक है, जिसको लोग चंपारण मटन कहें या मतलब उस, लेकिन इट इज़ नॉट दैट, बट मटन ताश आपने कहा, लेकिन मटन ताश बिहार में उस तरीके से तो बनता नहीं है उतना वाइडली, मतलब मैंने नहीं देखा है कि बनता है, जैसे यहाँ पे जितना मुझे पता है पीपल दे नो अबाउट लिट्टी चोखा, एंड राइट नाउ दे नो अबाउट चंपारण मटन, फ्रेंचाइजीज उसकी बट रही हैं। तो आप अगर बिहार की कुजीन को अगर लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज बिहार, एज क्योंकि अगर आप साउथ में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, कोंकण में, मतलब दे हैव वाइड वेराइटीज ऑफ कुजीन, बट व्हेन आई कम टू सी बिहार, तो उसके प्लेटर में जैसे खाना, अगर आप किसी के घर में खाने जाते हैं ना, तो वही पूरी सब्जी, भुजिया, चावल, दाल, इसके अलावा होगा ये क्या बोलते हैं मिठाई, ठीक है, जिसमें आप अगर मिथिला जाएंगे तो आपको मिलेगा मिष्टी दही में रसगुल्ला, ओके, तो ये जो कुजीन्स है, ठीक है, ये सबको पसंद आने वाली कुजीन नहीं होती है, सिवाय कि अगर आप अगर संक्रांति में आते हैं तो चूड़ा दही उसके साथ तिलकुट, दैट आई लव द वेराइटी, चूड़ा दही तिलकुट उसके साथ वो सींग की वो मिलती है, वो क्या बोलते हैं उसको, पतली पतली जो होता है उसका थोड़ा चार टाइप का बना करके फिर गुड़ के साथ और वैसे दी जाती, सो दैट इज द क्वेश्चन, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक यू नो डज बिहार हैज वेराइटीज, लॉट ऑफ वेराइटी, बहुत सारी क्विजीन है, मिथिला की क्विजीन हो, क्विजीन हो गई, या फिर आप रॉयल क्विजीन भी है बिहार में, आप यहीं बगल में ही, हम लोग यहाँ बैठे हैं, बगल में ही हथुआ कोठी है, तो हथुआ महाराज के यहाँ रॉयल क्विजीन थी, पूर्णिया में बनैली एक जगह है,
तो बनेली के महाराज, उनके यहाँ एक अलग क्विजीन थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में, हम लोगों ने उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की है। क्विजीन कई सारी हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं बिहार के खाने में, और लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। जितनी अच्छी लेयर्ड पफ पेस्ट्री बिहार में बनती है, शायद हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं बनती हो, जिसको खाजा बोलते हैं, सिलाव का खाजा, सिलाव का खाजा, या अभी तो अब तो हर जगह मिल रहा है, पटना में भी, यहाँ पे म्यूजियम के पास जो टेक्निक है उसकी बनाने की, वो टेक्निक देखकर इंटरनेशनल फ्रांस के भी पेस्ट्री शेफ ना एक बार सोचते हैं कि किया कैसे है, कि एक एक खाजे को उठा के शुगर सिरप में डिप करके पलटी करके रखना, कि शुगर सिरप उसके अंदर सीप इन करें, इट्स अ क्लास अपार्ट थिंग। या फिर लाई का खोए में लाई मिला करके उसकी पट्टी बनाना, या काले तिल की पट्टी बनाना जो अभी सकरात के टाइम पे मिलती है, या आपका ताश मीट हो गया, या फिश की अलग अलग प्रिपरेशन जो मैथिली ब्राह्मणों के यहाँ बनती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको पॉपुलराइज नहीं कर पाए हैं। हम लोग की क्विजीन जिस तरह से, अगर आप जाएंगे कैलकटा, एवरीबडी टॉक्स अबाउट कैलकटा का फुचका, कैलकटा की चाट, ये है कैलकटा की मिठाई, तो आप कैलकटा की स्ट्रीट पे किसी के यहाँ फुचका खाइएगा या चूरमूर खाइएगा तो बनाने वाला बिहारी होगा, कोई आपको कैलकटा का वहाँ नहीं मिलेगा बनाने वाला। फुचका तो हर जगह बिहारी बनाता है, चाहे मुंबई में हो या दिल्ली में हो, ठीक है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ नहीं मिली, इसलिए बड़े शहर में गए और वहाँ पे आपको फुचका या चूरमूर वो बिहारी कर रहे हैं, या मिठाई की दुकान पे सारे लोग सीतामढ़ी के हैं, चाहे वो उड़ीसा हो चाहे वो रसगुल्ला, ये सब हम बोल रहे हैं बनाने वाले सीतामढ़ी के लोग हैं। ये तो मैं आप बिलीव करती हूँ, बिकॉज़ दिस बहुत सारी चीजें हैं बिहार में जो कि हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार में कई सारे रॉयल फैमिलीज भी थी, बिहार की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो सब चीज़ें थी यहाँ पे, चाहे आप बुद्धिज़्म का खाना ले लीजिए, चाहे आप रॉयल फूड ले लीजिए या स्ट्रीट फूड ले लीजिए, अलग अलग तरह की कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओनली थिंग इज़ कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन और चाहिए, थोड़ा यू आर अ ट्रैवल ब्लॉगर, यू कैन ट्रैवल ऑल ओवर एंड यू कैन फाइंड आउट सम ब्यूटिफुल जेम। एंड आई सॉ इन दिस अनुभव इज ऑल्सो कमिंग आई थिंक टुमोरो, अनुभव सप्रा इज सप्रा, ही इज आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर हु शोकेस बिहारी क्विजीन एंड डिफरेंट डेलिकेसीज ऑफ बिहार इन हिज शो सो ब्यूटिफुली that you will be surprised. I cannot eat quail in Delhi, but I can get quail in Bihar, in Patna. So we have lots to offer. Only thing, people are not aware. हमने इस पे उतना ध्यान नहीं दिया, उसको उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, खाली लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा, जो कि बाहर जाते हैं तो बोलते हैं बाटी है बाटी है, मैं सोचता हूँ भाई ये बाटी नहीं है, बाटी अलग होती है, लिट्टी चोखा अलग होता है, लिट्टी अलग होती है, बाटी स्टफ़ नहीं होती है, लिट्टी स्टफ़ होती है। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन, प्लेटफॉर्म लाइक दीज कैन प्रमोट क्विजीन ऑफ बिहार एंड इट्स डिलिशियस एंड there's a lot of similarity between cuisine of Bihar, cuisines of Bengal and cuisine of Eastern UP. Absolutely. And दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ, हाउ वी कैन ग्रो यू नो इन लाइक यू नो बिहार कुजीन एंड हाउ वी कैन प्रमोट बिहार कुजीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम इस पर भी वर्क कर रहे हैं। और आई मस्ट थैंक मिस्टर मनीष फॉर कमिंग हियर एंड गाइडिंग यू ऑल कि आप अगर बिहार आते हैं तो आपके पास बहुत सारे कुजीन है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। ओके मिस्टर मनीष, हम नहीं सारे लोग जानते हैं आपको इवन इंडियन एक्सेंट के नाम से तो व्हाट इज इंडियन एक्सेंट, इसकी स्टोरी हम जान पाएंगे? या बिल्कुल, इंडियन एक्सेंट 2009 में हम लोगों ने खोला था एंड दिल्ली के एक बड़े पॉश इलाके में थे, लेकिन वो पॉश इलाका सबको नहीं पता था, फ्रेंड्स कॉलोनी, लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सोचते थे, डिफेंस कॉलोनी सोचते थे, ये फ्रेंड्स कॉलोनी में था, एक छोटे से बंगलो में बुटीक होटल उसके अंदर था। तो
छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था 2009 में, और शुरू में जिस तरह का खाना हम लोग कर रहे थे हिंदुस्तान में ऐसा खाना कोई भी नहीं कर रहा था, जिस तरह का यूनिक कॉम्बिनेशन मॉडर्न इंडियन फूड, वी कॉल इट अ इन्वेंटिव इंडियन फूड बिकॉज ऑल द डिशेज विच वी सर्व इंडियन एक्सेंट इज इन्वेंटेड इन इंडियन एक्सेंट किचन, सो वी कॉल इट इन्वेंटिव इंडियन. सो दैट टाइम पीपल यूज टू कम एंड some people used to walk out of the restaurant after reading the menu. You are an Indian restaurant and you don't serve butter chicken or a biryani or a kebab. You didn't give papad to eat. So, okay. So we came to know, and then we tried hard to explain to people that what exactly we are looking for and what we are trying to do. एंड फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, और आज 15 साल हो गए हैं, इंडिया में काफ़ी नाम है, दुनिया में इंडियन एक्सेंट का काफ़ी नाम है, एंड वी फील हैप्पी अबाउट इट बिकॉज द टाइप ऑफ थिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग ऑल द रीजनल थिंग्स, डिशेस फ्रॉम ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड प्रेजेंटिंग एंड कुकिंग इन सच वे दैट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन रिलेट टू इट, उनको फेमिलियरिटी लगे एंड उसको अपना सकें, और दुनिया भर में लोग समझ सकें कि हिंदुस्तानी खाना इज़ नॉट ओनली अबाउट चिकन टिक्का मसाला विच इज़ नॉट इवन इंडियन, इट इज़ ब्रिटिश. वाह, पता है वो कहते हैं ना कि हम जब घर पर होते हैं और ऑलवेज जब भी पूछा जाता है कि खाना क्या बनाऊँ, अ बिग क्वेश्चन, तो कोई बोलेंगे कुछ भी, दिस इज़ द कॉमन थिंग, कुछ भी. अरे भाई कुछ भी क्या होता है, प्लेट में कुछ भी ला के दे दें. और जब कुछ बना करके लाते हैं, ये क्या बना दिया, एंड देर आर फोर माउथ्स एंड फोर टेस्ट, और सबको कुछ कुछ अलग अलग चाहिए. लेकिन वही चीज़ को मनीष मेहरोत्रा जी ने अपने कुजीन में शामिल किया और उन्होंने एक अलग फ्लेवर बना के दिया. वो बोलते हैं ना कि वही आलू पराठा अगर आप डिफरेंट तरीके से पेश करते हैं तो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, और वही इंटरेस्ट डेवलप किया और एक रेवोल्यूशन लाया. एंड आई मस्ट अपलोड यू फॉर दिस कि आपने लोगों के माइंडसेट को अपने आर्ट के हिसाब से दिया. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फूड दे रहे थे, इट वाज टेस्टी, बट जस्ट दैट पीपल का जो एक होता ना एक टैबू होता है कि ये ऐसे ही हम खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को मोल्ड किया और लोगों को बताया कि भाई साहब आप ऐसे भी खा सकते हैं. एनीवे, सो इंडियन एक्सेंट इज़ बेसिकली फ्रेंड्स, ये एक लग्जरी रेस्टोरेंट है और यहाँ पे आई कैन कॉल इट रेस्टोरेंट, राइट? या एंड क्या इसकी फ्रेंचाइजीज हैं? फ्रेंचाइजी नहीं है, लेकिन तीन इंडियन एक्सेंट, एक न्यूयॉर्क में है, okay. एक मुंबई में है, okay. एक दिल्ली में है. वी यूज टू हैव इट इन लंदन ऑल्सो, बट कोविड के टाइम पर से हम लोगों ने बंद कर दिया था. सो मनीष मेहरोत्रा जी का अपना खुद का कौन सा ऐसा चैलेंजिंग रेसिपी है जिसने उनको भी हिला दिया? रेसिपीज कभी ऐसा हुआ है? रेसिपीज चैलेंजिंग बहुत होती हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे होते हैं, लेकिन अभी सबसे जो मुश्किल ट्रेंड हमें लगता है जिसके लिए इंडियन इस मेरे टाइप का इंडियन खाना बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, वो वीगनिज़म है, जो कि वीगनिज़म रॉ फूड, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं. जब लोग आते हैं कि हम वीगन खाना खाएंगे और घी भी नहीं खाएंगे, बटर भी नहीं खाएंगे, दही भी नहीं खाएंगे, दूध भी नहीं खाएंगे और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, तो उसके लिए इस टाइप का खाली छोड़ी बहुत सब्जियां बना के दे नहीं सकते, तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग. सो यू आर डूइंग दैट आल्सो? वी डू दैट आल्सो एंड वी डू अ टेस्टिंग मेन्यू, वीगन टेस्टिंग मेन्यू, एंड सो वो थोड़ा सा टफ होता है. But it's a challenge. You take it as a challenge. आपकी कोई ऐसी interesting कोई वाक्या है जो आपको मतलब ऐसे लगता है कि oh God, it was mind blowing. आपको कई awards भी मिले हैं और ये सब, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं कहूँ कि मतलब आपको always याद रहेगी? बहुत बहुत सारे ऐसे incidents हैं, बहुत सारे इस ऑलमोस्ट 27-28 साल की जर्नी में बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बहुत से यूनिक लोगों से वार्तालाप हुई, उनसे मिलने का मौका मिला, उनके लिए खाना बनाने का मौका मिला, तो अच्छा लगता है. बहुत सारे अवार्ड्स, दुनिया बहुत घूमी, दुनिया के अलग अलग देशों में जाके अलग अलग चीज़ें ट्राई की, यूनिक चीज़ें, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो किसी तरह का जानवर हो या किसी तरह की यूनिक फल हो या सब्जी हो, हर चीज़ ट्राई की है. तो
जर्नी अच्छी रही और काफ़ी एडवेंचरस रही. सो दे आर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि चाहे आप बकिंगम पैलेस में जाके क्वीन एलिजाबेथ से मिल रहे हैं या अमिताभ बच्चन के लिए खाना बना रहे हैं या अंबानी जी के घर पे उनके यहाँ खाना बना रहे हैं या कहीं बाहर किसी यूनिक सी जगह पे सेंट मोरिट्ज स्विट्ज़रलैंड में खाना बना रहे हैं. तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि मेमोरेबल थे और आई थिंक एडवेंचर भी रहा, सीखने को भी बहुत मिला, इंस्पिरेशन भी बहुत मिली और मज़ा भी बहुत. हमारे दर्शकों में बहुत लोग आपको सुनना इसलिए भी पसंद कर रहे हैं कि ये कैसे शेफ़ बने, क्या शेफ़ की लाइफ कैसी होती है या शेफ़ की जर्नी कैसे होती है, कितनी मतलब आपको ये जो पढ़ाई है और इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं या आपको एक डिसीजन मेकिंग करना होता है तो उसमें व्हाट इज़ द फेज, हाउ वन कैन गो इनटू शेफ़ बिजनेस एंड हाउ इट इज़ बेटर और नॉट बेटर या डिफ़िकल्ट और ईजी. देखिए शेफ़ बनना, शेफ़ की पढ़ाई करने के लिए तो अब तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बड़े सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं या कल्नरी स्कूल जा सकते हैं. वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो तो आप कर सकते हैं. लेकिन उसके बाद जो शुरू का जो सफ़र होता है पहले 5 साल, तो जैसे बाकी चीज़ों में मुश्किलें होती हैं यहाँ पर भी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ की मुश्किल थोड़ी सी अलग होती है. पहले 5 साल एक तो फिज़िकल काम होता है, किचन में गर्म इन्वायरमेंट में खड़ा रहना होता है तो थोड़ा सा टफ़ काम होता है. दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो परेशानी है कि जिस समय दुनिया सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है, सबसे ज़्यादा मज़े कर रही होती है, वो दिन आपका सबसे बिजी दिन होता है. उस दिन आप मज़े नहीं कर सकते, आपको काम करना होता है. आप काम करते हैं इसलिए वो मज़े कर रहे होते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो अगर कोई बोलते हैं ना कि शायद कोई फायर ब्रिगेड वाला दिवाली पे छुट्टी नहीं ले सकता है या पुलिस वाले किसी छठ के टाइम पे छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो वैसे ही शेफ़ भी इन सब मौक़ों पे छुट्टी नहीं ले सकते हैं जब लोग जाके बाहर इंजॉय कर रहे होते हैं. तो हर फेस्टिवल, हर सैटरडे संडे, हर 31st December, हर वैलेंटाइंस डे आप किचन में काम कर रहे होते हैं. दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. उसको अगर आप ओवरकम कर लेंगे तो हिंदुस्तान में पढ़े लिखे शेफ़ों की बहुत कमी है और ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है पूरी दुनिया में और दुनिया में बहुत डिमांड है इसकी. अगर आप 5 से 6 साल इसको प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करके सर्वाइव कर लेते हैं मेहनत करके, स्काई इज द लिमिट. वैसे कितने साल का ये होता है कोर्स? मतलब तो आप 3 साल में खत्म कर सकते हैं लेकिन कोर्स से फ़र्क नहीं पड़ता है. एक बार जब आधे लोग इंडस्ट्री में पहले साल में भाग जाते हैं तो वो आप वही बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में अगर आप पहले 5-6 साल कॉन्सेंट्रेट करके मेहनत करके अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, यू कैन गो प्लेसेस. राइट. सो पैशन, डिटर्मिनेशन के साथ. डिटर्मिनेशन, पैशन, ठीक है पैशन तो सब चीज़ों में होना होता है बट डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. क्योंकि शेफ के लिए पैशन भी तो जरूरी होता है. आई डोंट नो, पैशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग. या पैशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग बट डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क लाइक एवरी अदर इंडस्ट्री इट इज रिक्वायर्ड. और छुट्टियों को कुर्बान करने की शक्ति होनी चाहिए. मनीष मेहरोत्रा जी, आपका चॉइस, दर्शक जानना चाहते हैं कि मतलब 5 बेस्ट इंडियन कुजींस जो आप पसंद करते हैं और 5 बेस्ट फॉरेन कुजींस जो आप पसंद करते हैं. इंडियन में तो आई लव एवरी क्विजीन ऑफ इंडिया. फाइव अगर देखना चाहिए, क्विजीन फ्रॉम गुजरात, क्विजीन फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, कश्मीर. I would love to eat these food. And international, I love Italian. I love Chinese a lot. Japanese, little bit. But Thai, I prefer Thai more. And I would say Mexican. Mexican, लेकिन जो मेक्सिको में मेक्सिकन मिलता है वो वाला मेक्सिकन, वो जो अमेरिका में टेक्स मैक्स मिलता है वो वाला नहीं. सो हाँ, दीज आर द थिंग्स आई लव टू ईट. तो मैं रिसेंटली चाइना गई थी. चाइना में मुझे जो डिफ़िकल्टी आई वो आई वेजिटेरियन कुजीन की. तो मैं तो लेके गई थी पोहा, उपमा, अदर स्टफ़. लेकिन वेन इट, हाँ, फ्रूट वूट और वो सब, एंड वहाँ पे वैसी कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन जब डिनर की या लंच की बात आती है तब दिक्कत हो जाती थी. तो मुझे एक जगह पर किसी ने लेम्पी खिलाया
ओके, लेम्पी वॉज समथिंग, अब हो सकता है मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रही हूँ या कुछ ऐसे हो, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था. और इट इज़ अ कोल्ड कुजीन, मतलब ठंडा खाया जाता है, रेफ्रिजरेट होता है, एंड इट वॉज लिटरली डिलीशियस. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना में वेज क्या खा सकते हैं? देखिए, वेजिटेरियन का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ थोड़ा अलग है. हमारे यहाँ हम लोग, बहुत सारे लोग जो वेजिटेरियन हैं वो रिलीजन के हिसाब से वेजिटेरियन होते हैं. चाइना में उनके लिए वेजिटेरियन डिश वो होती है जिसमें क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल इज़ मोर देन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन थिंग इन दैट डिश. वो कोई सब्जी भी बनाएंगे तो उसमें सारी सब्जी होगी, लेकिन सॉस उनकी जो होगी या कोई तरह का ऑयल या कोई तरह का छोटा सा इंग्रेडिएंट होगा जो कि नॉन वेजिटेरियन होएगा. जैसे फिश ऑयल होता है, थाईलैंड में फिश सॉस यूज़ करते हैं. वेजिटेरियन बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, और अब खासकर वीगनिज्म इतना फैल रहा है और हर लोग वीगन हो रहे हैं, तो अब हर जगह आपको वीगन डिश मिलेगी, चाहे आप किसी भी दुनिया के कोने में चले जाइए. लेकिन ये होता है कि मैं तो जब ट्रैवल करता हूँ तो आई ईट एवरीथिंग, तो आई ट्राई टू ईट एज मच लोकल फूड एंड सी द लोकल क्विजीन एज मच. सो अब लेकिन वीगन के नाम पे आपको हर जगह, चाहे चाइना हो, जापान हो, आपको उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए जो आज से 10 साल पहले होती थी. हाँ, हम तो ढूंढते रहेंगे. फिर आखिरकार इंडियन रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था टू ईट फूड, टू नो दैट यू नो इट इज़ वेजिटेरियन. वेल, इसी के साथ ही हम मनीष मेहरोत्रा जी से आज्ञा लेते हैं और उन्हें भी छुट्टी देते हैं आज. जबकि छुट्टी के दिन उनको छुट्टी नहीं होती है. हाँ, थैंक यू सो मच मिस्टर मनीष, एंड इट वॉज रियली अ डिलीशियस व्लॉग, है ना दोस्तों? तो ये पॉडकास्ट के साथ यहीं पे आपसे मैं अलविदा लेती हूँ. सो GTRI टॉक शो में फिर मिलते रहेंगे अलग अलग इंस्पायरिंग लोगों के साथ, और आज आप बहुत इंस्पायर हुए होंगे खाना खाते हुए. ओके, बाय बाय.